बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मनी प्लांट की कटिंग करना सिखाऊंगी। ये पानी में कैसे ग्रो किया जाता है और ज़मीन में या गमले में कैसे ग्रो किया जाता है, ये मैं आपको आज सिखाऊंगी। पहले मैं आपको अपना मनी प्लांट दिखा दूं। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा मनी प्लांट, और तीन चार टिप्स हैं मैं वो बताऊँगी आज मनी प्लांट्स की। मनी प्लांट्स बहुत ही सिंपली से ग्रो हो जाता है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये है कि इसको पानी ज़रा, बाकी ही जो इंडोर प्लांट की निस्बत इसको पानी की थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी होती है, बाकी और इसकी कोई चीज़ इसको नहीं होती, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं, खास केयर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अब ये मैं आपको इसकी कटिंग काटना सिखाती हूँ और ये बताती हूँ कि किस जगह से इसकी कटिंग लेनी चाहिए। हर जगह से इसकी कटिंग नहीं चलती, इसका एक ख़ास जगह होती है जिसको रूटिंग एरिया कहते हैं, तो उधर से इसकी कटिंग चलती है। जैसे कि ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये रूटिंग यहाँ से है ना, इसकी एयर रूट इसे कहते हैं। जहाँ से ये एयर रूट हो वहाँ से ये इसकी कटिंग लेनी चाहिए, आम हर जगह से इसकी कटिंग नहीं चलती। बाज़ लोग ये कह देते हैं कि हम एक पत्ते से मनी प्लांट उगा रहे हैं, पत्ते से मनी प्लांट नहीं होता, वो पत्ते के करीब एक रूट होती है, हर पत्ते के करीब एक रूट होती है। जैसे ये देखें, ये पत्ता है ना, ये पत्ता है, तो ये पत्ता कि यहाँ से लोग काट लेते हैं और यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ से काट के, यहाँ से और यहाँ से काट के इसको जमीन में दबा देते हैं, तो दिखाते ये पत्ता ही है, लेकिन ये रूट होती है, ये रूट से यहाँ से चल पड़ता है प्लांट, मनी प्लांट चल पड़ता है। तो एक्चुअली सिर्फ हमें ये रूट वाला हिस्सा चाहिए, बेशक जितनी भी लंबी मनी प्लांट की ये स्टिक जितनी भी मर्जी हम लंबी ले लें, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ ये कि यहाँ से ये जो रूट हैं ये लाजमी होनी चाहिए। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये मुझे एक मिली है, ये देखिए माशाल्लाह से इसकी रूट भी देखें, कितनी प्यारी इसकी रूट है। तो हम इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी इसकी, ये देखें, ये देखें, वो अपनी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी लंबी ले लो, यहाँ से ले लो, लेकिन इसकी रूट जो होनी चाहिए वो एक आध रूट लाजमी होनी चाहिए। तो फिर ये अल्लाह के फजल से कभी भी ऐसा नहीं हो कि मनी प्लांट ना चले। ये देखें यहाँ से दो रूट हैं, एक ये छोटी सी है, एक ये बड़ी, यहाँ से इसको काट लें और फिर ये ज़रूर चलेगी। मैं अब आपके सामने इसको काटती हूँ, यहाँ से ये कट गया। अच्छा, अब ये है कि अभी मैं इसको यहाँ से इसके पत्ते काट देती हूँ, फिर मैं आपको इसको पानी में लगाना सिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये रूट है, ये देखिए ये रूट है। अब इसको मैं पानी में लगाना दिखाती हूँ कि पानी में कैसे लगाना है और ज़मीन में कैसे लगाना है, और साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने ऐसे ही एक मेरे से काम करते करते कटिंग टूटी और मैंने ये देखें इसमें लगा दी। ये देखें इसकी ग्रोथ, ये देखें, सिर्फ ये मैंने देखा कि इसकी रूटिंग है थी, इसकी यहाँ पे एक रूट थी, वो मैंने इसमें लगा दिया, तो ये देखें यहाँ से भी, यहाँ से भी ये चल पड़ा और ये भी चल पड़ी। ये सारी मैंने इसी से, एक ही पौधे से ये सारा मनी प्लांट बढ़ाया हुआ है। और ये देखिए, मैंने ये पानी में लगाया हुआ है, ये पानी में, ये पानी की बोतल है, इसमें तो साफ वाजह क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, ये देखिए इसमें पानी है बिल्कुल, तो ये पानी में, ये देखिए इसकी रूट। अब मैं आपको मनी प्लांट की रूट दिखाती हूँ, पानी में इसकी रूट है, ये देखिए माशाल्लाह से पानी में इसकी रूट कितनी ज़्यादा रूट। तो ये कुछ भी नहीं करना, इसको सिर्फ ये देखें, ये रूट है और ये पानी है, ऐसे इसको पानी में डिप करके तो नीचे की तरफ लटका देना है, और ये फिर ऐसे, ये देखिए मैंने इसको रूट को पानी के अंदर डिप कर दिया, तो ये देखें कैसे है इसके, ये देखिए माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ कैसी है, इसकी एयर रूट्स देख ले बेशक कितनी प्यारी है इसकी एयर रूट्स हैं। सिर्फ सिंपली पानी में ये 6-7 दिनों के बाद बेशक इसका पानी चेंज कर दें, अब मुझे तो कई दफ़ा कितने दिन गुजर जाते हैं बस टाइम नहीं मिलता, तो पानी इतना है कि इसमें पानी होना चाहिए, रोज़ के रोज़ ये चेक कर लेती हूँ कि इसमें पानी हो,
बस अब आपको मैं यही कटिंग मट्टी में लगाना सिखाती हूँ। ये इंडोर प्लांट है इसलिए हमेशा इसको अंदर ही किसी गमले में लगा देंगे। मैं आपको सिर्फ सिखाना चाहती हूँ कि ये गमले में मट्टी में कैसे लगाना, बाकी ये मेरे पास जगह जगह काफ़ी लगा हुआ है। ये देखिए बस इसकी रूट्स ऐसे करके तो इसके ऊपर हम मट्टी दे दें, बस इसके ऊपर मट्टी कर दो। ये लो बस अब बाकी इसको पानी दे दिया तो ऐसे चल पड़ी। अब मैं आपको ये एक मेरे गमले में लगी हुई है उसमें बड़ी प्यारी शेप मैंने दी हुई है वो मैं आपको गमला दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ओपन स्काई में एक गमला, ये छोटा सा गमला रखा हुआ है और इसमें मैंने तार का एक सर्कल सा बना के उसके ऊपर मनी प्लांट चढ़ाया हुआ है, एक शेप दी है मनी प्लांट को। तो ये गोल सी शेप में आके अब ये नीचे की तरफ, ये देखें इसकी लेंथ देखें ये नीचे की तरफ और इसके में देखें कितनी प्यारी है इसकी ग्रोथ, कितनी प्यारी है ये देखें पत्ते माशाल्लाह कितने प्यारे हैं इसके। और ये देखें इसकी ग्रोथ देखें, मैं ज़रा दूर से दिखाती हूँ आपको, ये देखें। बात लोग कहते हैं कि ये कटिंग से नहीं, हमारे से नहीं हुआ, पानी में नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह के फजल से सिर्फ इसकी ये चीज़ का ध्यान रखें कि इसकी एयर रूट जो है, ये देखें इसकी एयर रूट, इन चीज़ों का ध्यान रखें, यहाँ से ले लें बस, कहीं से भी इसकी एयर रूट थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, बेशक जितनी भी लंबी कटिंग हो ये एयर रूट होनी चाहिए, बस उसमें एयर रूट हो तो ये चल जाएगा। इसके अलावा ये देखें मैंने इसमें ड्रम में भी लगाया हुआ है, ये देखें ये देखें, इसे कह सकते हैं कि हमने पत्ते से चलाया। और ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से। अब मैं आपको इसकी एक और टिप बताती हूँ, ये जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं अगर हम इनमें 1 लीटर अगर पानी है तो उसमें आप ये देखें दूध 2 चम्मच या 3 चम्मच दूध ये काप यहाँ इसमें डालती हूँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा इतना सा दूध डाल के, तो आपने इसको मिक्स करना है। ये जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उसको स्प्रे मोटर में डाल के इसकी स्प्रे कर दें, इंडोर जितने भी इंडोर प्लांट हैं उन सबको इसकी स्प्रे कर दें, या फिर इस ये जो पानी है इसको थोड़ा सा लाइट करके और थोड़ा सा लाइट करके इन गमलों में ये इस पानी को दे दें तो इससे माशाल्लाह इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ होगी ना। ये बहुत इसमें कैल्शियम वगैरह होता है, ये इंडोर प्लांट्स के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये देखिए मैं इसकी स्प्रे करके आपको बताती हूँ, ये देखिए ऐसे स्प्रे कर दें इसकी, इससे पत्तों में इतनी शाइनिंग आती है जो इंडोर प्लांट्स हैं कि बहुत ज़्यादा। ऐसे ही महीने में एक दफ़ा या 15 दिन के बाद ऐसे तमाम प्लांट्स पे इसकी स्प्रे कर दी जाए तो ये आप गौर करेंगे कि बिल्कुल कोई किसी किस्म का कीड़ा भी इंसेक्ट भी नहीं आता इसे। ये देखिए ऐसे इसकी स्प्रे कर दी जाए और अगर कोई मतलब यह है कि पानी काफ़ी बच गया है तो इसके पिंदे में डाल दिया जाए, गमले में डाल दिया जाए तो वो भी इसके लिए बहुत अच्छा है। ये मैंने आपको एक टिप दी है इसकी, आप देखें कैसी है, मुझे बताएं कमेंट्स करके ये अच्छी टिप है या इसकी मैंने जो इसके बारे में बताया अच्छा बताया बुरा बताया, आप कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।